हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक नए फ्रेश वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो यार, आज मैं आ रहा हूं कमला नगर मार्केट में। आप मेरे पीछे देख सकते हो वैष्णव चाट भंडार। तो आज यहां पे मैं ट्राई करने वाला हूं। तो यहां से गुजर रहा था तो मेरे को ये दिख गया, तो आज इस वीडियो में ये कवर करने वाला हूं। जानते हैं यहां का टेस्ट कैसा है, यहां के ऑनर से बात करते हैं कि क्या क्या वैराइटीज मिलने वाली है। और ये आपका एड्रेस पड़ जाता है नियरेस्ट गोल चक्कर पड़ जाता है, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है आपका विश्वविद्यालय में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम ललित कुमार है, मैं वैष्णव चाट भंडार का ओनर हूँ, और ये दुकान 1955 से है। 1955। हाँ जी, हाँ जी। और अंकल, यहाँ का क्या क्या फेमस है जो सबसे ज़्यादा बिकता है? गोलगप्पे, भल्ला पापड़ी, टिक्की चिल्ला, पाव भाजी, स्टप चाट, मतलब 20-25 आइटम चाट की सबसे ज़्यादा फेमस गोलगप्पे, भल्ला पापड़ी, पाव भाजी, टिक्की चिल्ला है। और यहाँ पे फलूदा भी अवेलेबल हो जाता है? रबड़ी फलूदा, कुल्फी फलूदा, तिला कुल्फी, फ्रूट आइसक्रीम, फ्रूट रोलर, सब वैरायटी है चाट की। तो यार, आपको काफ़ी सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। अंकल ने बता दिया है, और यहाँ पे गोलगप्पे की प्रिपरेशन चल रही है, और यहाँ पे ये आपके आलू टिक्की तैयार हो रहे हैं, और यहाँ पे आलू चाट की भी तैयारी हो रही है। तो आपको चलो दिखाते हैं क्या खाते हैं। तो यार, खाने की काफ़ी सारी वैरायटीज है, सब तो मैं खा नहीं सकता, बट मैं सोच रहा हूँ कि भल्ले पापड़ी खा लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भल्ले पापड़ी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है यहाँ का, और उसके बाद से मिलते हैं आपको। तो वीडियो में बने रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो यार, फाइनली इसे मैं खा के देख लेता हूँ कैसा हो रहा है टेस्ट में। और देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अनार डाल रखा है, पापड़ी है, दही अच्छे से मिला रखी है इसमें, और हरी चटनी मिल जाएगी, और कच्चा आलू, ये अचार था थोड़ा मिला रखा है इसमें, हरी चटनी मिल जाएगी। तो अभी इसका मैं फर्स्ट बाइट ले लेता हूँ। मसाला आप अपने हिसाब से डलवा सकते हैं, ज़्यादा या कम। मैं एक्चुअली स्पाइसी खाता हूँ, तो मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट है। बाकी आप बोलेंगे तो मसाला ज़्यादा कम हो जाएगा। और बाकी वैसे बात करूँ, दही में कोई कंजूसी नहीं करी है, दही बिल्कुल भर के डाली हुई है, और अनार डाला हुआ है, हरी चटनी है, और ठंडा है यार, गर्मी के दिन है तो ठंडा तो अच्छा ही लगता है खाने में, तो मेरे को तो बहुत सही लगा। तो अभी से खा लेता हूँ, बहुत बढ़िया हो रहा है टेस्ट। तो यार, फाइनली दही भल्ले खा लिए हैं, और खाने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगे। और यार, मसाला आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से करा सकते हैं, मेरे को तो स्पाइसी पसंद है, तो मैंने अपने हिसाब से करा रखा था, तो मैंने खा लिया है। और इसका 90 रुपीज़ प्राइस था, और जो मेरे को लगता है कि सही है यहाँ के हिसाब से, इतना ही होना चाहिए, और मेरे को सही लगा यहाँ का टेस्ट ऑल ओवर। और आपको काफ़ी सारी वैराइटीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर रबड़ी फलूदा देखने में मिल जाएगा आपको। आई होप यार, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अरे भैया की स्माइल बड़ी प्यारी लग रही है। ओके, बाय।